मुसीबत का पहाड़ मेरे ऊपर गिर जाएगा। एक दिलवा पर तू धू जान केकरा रखबे हो भगवान। जिस घर में हलो दो नारी हो जाए उस घर में तो रात दिन कलह कच कच। कबीर साहब कहते हैं सांप बिच्छू का मंत्र है माहुड़ भी झारा जाए पिकट नारी से पल्ला पड़े तो काढ़ी कलेजा खाए। कबीर साहब कहते दो नारी को तो छोड़ो एक ही पति है एक ही उनका पत्नी है और दोनों का विचार सेटिंग नहीं है वहां भी झंझट। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं कि पत्नी से भी केस लड़ रहे हैं केस। एक आदमी कल के हमरा पर केस हो गए कल ये कथी केस कल के दो पत्नी हमरा पर केस कर दल कहने कर लखाऊं केस ओ तिलक नहीं देने रे हम छोड़ी दिलिए ना तो हमरा पर केसे कर दल कलिए तिलक नहीं दल के तो की दिक्कत रे नहीं दल के नहीं कल के ना नहीं होता तिलक ले बेक केस लड़ी। आज लोग दहेज के चलते कुछ लोग हैं कि पत्नी को नैहर में छोड़ देते। सज्जनों बहुत आदमी राम को मानते हैं राम की नहीं मानते। दहेज प्रथा को मिटाने का काम किया तो सबसे पहले भगवान राम। भगवान राम जनकपुर में धनुष को तोड़ दिया सीता जी के साथ फीरी में शादी किया मंगनी। आजकल के दुल्हा बकरी किला ने तोड़ा पड़े तैयो 22 लाख टका तिलक मांगे। इतने तक ने पहले जे ललके ललके मरबा पर रूसै छे लगे छे लड़का मिर्गी लगलो झड़ खीर धरलो जे लोकनिया धर पट्टे से दुल्हा जी खाली खीर का ताक जे गज गज। लोगो अब एहनो होशियार भ गेले कि रूसै देथैन जे 6 बजे सवेरे विदा कर दे छे जा घर में रुसते रही। भगवान श्री राम धनुष को तोड़ दिए। धनुष क्या है? धनुष लोभ का प्रतीक है धनुष दहेज का प्रतीक। सज्जन आज दहेज के चलते समाज में बेटी बोझ बन गई। रात में कभी कभी हम लोग जब चलते हैं गाड़ी से तो कुछ लोग को देखते हैं 1:30 बजे रात में बैठे हैं चिंतित हैं दुखी हैं। गाड़ी रोक करके हम पूछ लेते हैं बाबा 1:30 बजे छे सुतीन रहो तो बैठलो छो उदास कथिल छो कल के बाबा की बतैयो पोती बड़ तुहारी लागे छे सब चीज करी काने छे जत्ते टका मांगे छे ना कि बड़ तुहारी ये कटी जाए।